तो भाइयों कैसे हैं आप सब लोग, एक नई सुबह फिर आपका स्वागत है। आज हम निकल गए हैं बुखारा से खीवा की तरफ, फिलिप है साथ में ही। सो हमने अभी कार की है रेंट और इससे जा रहे हैं हम लोग। काफ़ी अच्छा है, मतलब हाईवे थोड़ा ख़राब था बट अच्छा है। अभी कहीं रुकेंगे आगे कुछ खाने के लिए तो फिर बताऊंगा मैं आपको। एक और मित्र है हमारे साथ, वो जुड़ी है, मैं मिलवाता हूँ उनसे आपको, आप इनसे मिल सकते हैं तो आपको इनसे बाद में मिलवाएंगे। और तब तक के लिए ये पीछे देख लीजिए, पूरा रेगिस्तान है। तो अभी हम कहीं रुके हैं एक्चुअली, यहाँ कोई पुलिस चेक पोस्ट है या पता नहीं कुछ है तो यहाँ रुके हैं, फिर यहाँ से जाएंगे आगे। तो अभी हम लोग रुके हैं यहाँ पे, लंच तो नहीं कह सकते बट कुछ खाने के लिए। और ये एक रेस्टोरेंट है, ये देखिए पीछे। तो यहाँ पे ट्राई किया है सोमसा, जैसे अपने समोसा होता है समसा है, वो ट्राई किया है। हाईवे है और पूरा जंगल ही है, देख लीजिए पूरा वैसा है, अच्छा है। अब खीवा जाएंगे तो शायद शाम को पहुँचेंगे खीवा, तो मिलते हैं वहाँ पे। तो ये मेरा रूम है, ये है कारवां सराय। ये फिलिप है और ये है हमारा बाथरूम, वेरी फैंसी बाथरूम। तो बाथरूम में हमारे पास है बाथटब। और ये कारवां सराय है, पुराने जमाने में जब सिल्क रूट पे लोग आते थे तो वो यहाँ रुकते थे। थोड़ा नीचे को जाना पड़ेगा। और ये हमारे बेड्स हैं और होटल वालों ने हमारे लिए दो बतख बनाई है। राम राम भाइयों, तो एक नई सुबह हो गई है और मैं निकल पड़ा हूँ खीवा देखने के लिए। ये मेरा होटल है जहाँ मैं रुका था, ये मेरा रूम था। ये एक्चुअली कारवां सराया है। तो जब पहले सिल्क रूट पे जब लोग आते थे तो वो क्या करते थे कि अपने घोड़े ऊँटों पे जब आते थे तो लोग यहाँ आके रुकते थे, इस तो उसको कारवां सराया कहते हैं। यहाँ कमरे बने हुए हैं, मैं आपको कमरा दिखाऊँगा, काफ़ी अच्छे हैं, बहुत सस्ता था $20 में। हम लोग दो दोस्त हैं दोनों रुक के, अभी हम लोग चेकआउट कर रहे हैं और यहाँ से फिर थोड़ा घूमने जाएंगे। ये रिसेप्शन है मेरा होटल का, ये देखिए फिलिप और ये हैं, जिनसे आप ज़रूर मिले जब भी यहाँ आए। थोड़े दरवाजे नीचे नीचे हैं यहाँ के, ऐसा है। ये कारवां सराय है, मतलब कि मेन आते ही दिख जाता है आपको, जैसे आप खीवा के अंदर यहाँ एंटर होंगे तो आपको दिख जाएगा। ये खीवा शहर है। ये सिल्क रूट पे एक बहुत बड़ा
मतलब कि समझ लीजिए मिडिल पॉइंट हुआ करता था सेंट्रल एशिया में, उसके बाहर जो था वो कारवां सराय था जहाँ मैं रुका, और ये अंदर पूरा शहर था तो लोग ये अंदर रहते थे। आप देख पाओगे आगे जैसे मैं आगे जाऊँगा वैसे, तो आपको यहाँ पे इंडिया का फ्लैग दिखेगा, देख पाओगे ये रहा अपने देश का झंडा। तो हम लोग घूम रहे हैं अभी बुखारा की गलियों के अंदर, सॉरी खीवा ये खीवा है, बुखारा नहीं है, बट चल गया बुखारा, काफ़ी दिन रहे तो बार बार गया बुखारा याद आता है। तो अच्छा है, काफ़ी पूरा बाजार है आप देखिए, शायद हम देख पाएंगे। और मुझे लगता है इस शहर में आके थोड़ी ऊर्जा सी महसूस हो रही है, क्योंकि ठंड है लेकिन लोग काफ़ी अच्छे हैं, तो वैसा लग रहा है। ये कि उन्होंने कुर्सी लगा रखी है, आप यहाँ आए बैठे फ़ोटो खिंचवा सकते हैं, फिर आपका फ़ोटो बनाएंगे। और आप इमारतें देख सकते हैं चारों मेयर। हम लोग इधर कार से आए थे, तो कार के करीब में दिए $50, तो ज़्यादा नहीं थे, और होटल का मैंने बताया आपको $20 दिए हम लोगों ने। आगे देखिए, आगे दिखाता हूँ थोड़ा मैं आपको। एक्चुअली ये वो रेस्टोरेंट है जो हम कल ढूंढ रहे थे, बट हमको नहीं मिला, तो हम लोग कहीं और चले गए थे, उसका भी दिखाएंगे आपको।
It's not a ziggurat. Maybe it is. I think it's not a minaret, but they don't have like the upper one. Yeah. So it's damaged. It's a minaret, but it's a half the damage. Thank you.